हुंकार तिनी परिवार को शासन रु दूरै रखिबा को आह्वान। केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूँ, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशत गर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। द्वितीय पर्याय निर्वाचन पे सरगरम प्रचार, निर्वाचन रैली रे केंद्र गृह मंत्री को बड़ा घोषणा, वर्ष रे दुई थरा राज्यवासी को मिलिबो मागणा गैस सिलिंडर। जम्मू काश्मीर को पूर्ण थरे आतंकवादी को अड्डा करबा को चाहंती अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार। तुष्टिकरण राजनीति करी भूस्वर्ग को नरक बनाइथिबा देश विरोधी को शासन रु दूरे रखा को जम्मू काश्मीर वासी को आह्वान देइछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। निर्वाचन को नहीं राज्यवासी को उत्साह को प्रशंसा करने द्वितीय पर्याय रेकर्ड मतदान करने को जनता को निवेदन करिछंती शाह। रजौरी थानामंडी सुरतकोट और मेढ़र निर्वाचन प्रचार करने आतंकवादी को चरम चेतावनी सुनाइछंती शाह। प्रधानमंत्री मोदी कठोर निष्पत्ति जो आज आतंकवादी को गुड़ जवाब गुड़ दि जाऊँगी उग्रपंथी को बल जोगा पाकिस्तान भी मोदी को भय करुच्ची केन्द्र गृहमंत्री। मैं आज कहन कर जाता हूँ, उमर अब्दुल्ला यहाँ आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशत गर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशत गर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। जम्मू काश्मीर का अधिकार रक्षा सह विकास कार्य त्वरान्वित करने को मोदी सरकार देउछंती प्राथमिकता। बीजेपी क्षमता को आसिले राज्यवासी को ईद और महरम अवसर में मिलिब मागणा गैस सिलिंडर। मोदी सरकार राज्य महिला को संरक्षण अधिकार देथिबा बेले खूब शीघ्र जम्मू काश्मीर को पूर्ण राज्य मान्यता सह अवहेलित और पछुआ वर्ग को मध्य संरक्षण जोगाइ देबा को लक्ष्य रखिछंती। युवकों हाथ में पथर बदल लैपटॉप धरई राज्यर नुआ इतिहास लेखिबारे प्रधानमंत्री मोदी सफल होती। आगामी समय रे राज्य को विकास शिखर पहुंचाइबा को राज्यवासी समर्थन लोड़ी गृहमंत्री अमित शाह। 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको, बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, नरेंद्र मोदी। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति खुशहाली आई है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई, रिकॉर्ड टूरिज्म आया है, और जनता यहां एक ही चीज सोचती है कि तीन परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जख्म दिए, अलगाववाद के, आतंकवाद के, पथराबाजी घटनाएं थी, और ब्लंडर ऑफ नेहरू के कारण जो धारा 370 लगी उसका खामियाजा 70 साल तक लोगों ने भुगता है, 45,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं, और आज लोग देखते हैं कि 70% घटनाओं में कमी आई आतंकवादी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, धारा 370 को समाप्त किया। दूसरी ओर कांग्रेस पीएससी एक्ट को खत्म करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहती है, और हुल्लड़बाजों को, पथराबाजों को, नशा बेचने वालों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को खुला छोड़ना चाहती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अगर वापस आतंकवाद, अलगाववाद, पथराबाजी की घटना देखना चाहती है, अशांति देखना चाहती है, तो कांग्रेस NCPDP को देखे। अगर वो चाहती है शांति और विकास तो भारतीय जनता पार्टी। जम्मू काश्मीर विकास बनाम तुष्टिकरण राजनीति मध्य जारी रही टक्कर। गत 18 तारीख में 24 आसन में प्रथम पर्याय निर्वाचन में होता पाखापाखि 60% मतदान, आसंता 25 तारीख में 26 आसन और 1 अक्टोबर में अवशिष्ट 40 आसन में होगा जाऊँगी मतदान। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।